पुरुषवादी प्रथा से महिलाओं को आज़ाद कराने के सभी प्रयासों के बावजूद भी समस्या कम होने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जहां बहुमत के निर्णय में 3 तलाक देने की प्रथा को निरस्त कर दिया और अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक एवं गैरकानूनी माना गया। फैसले में कहा गया कि 3 तलाक सहित कोई प्रथा कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ एवं अस्वीकार है। बता दें कि काफ़ी विवादों के बाद भारत सरकार ने 3 तलाक जैसे मामलों पर काफ़ी सख्त नियम बनाने में कामयाब रहे, परंतु कड़े कानून बनाए जाने के बाद भी बिहार के बेगूसराय में महज 50,000 रुपये दहेज में नहीं देने पर इस कानून की धज्जियां उड़ाई गई। बताते चले कि पति के द्वारा पत्नी को बोला कि अपने मायके से 50,000 रुपया लेकर आओ। इसका विरोध किया गया तो जमकर बहरहमी से पत्नी को पिटाई कर दी। पिटाई के बाद पत्नी अपने मायके चली गई। जब पत्नी मायके में रह रही थी उसी दौरान फ़ोन पर ही एक बासी पति ने अपने पत्नी को 3 तलाक बोलकर उससे मुक्ति पा ली है। मामला बेगूसराय के सिंघौल ओपी अंतर्गत लरवाड़ा गाँव की है। पीड़ित परिवार ने 3 तलाक के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मेरे साथ 50,000 रुपया मेरा सौहर मांगा था, जो हमसे पुत्री ने, मेरा माँ बाप गरीब था, नहीं हुआ। पुत्री फोन करके बोला 50,000 रुपया नहीं दी तुमको, 3 तलाक दे दिया। कौन बोला? मेरा पति बोला, महबूब वाला बोला। हमको फोन करके हमको बोले थे कि तुमको पैसा नहीं दी 50,000 रुपया तुमको नहीं रखेंगे, 3 तलाक दे दिए। पहले करता था तलाक ना, फोन पे तलाक दे। हम मायके में थे, फोन पे तलाक दे दी। मारपीट हुआ तो मायके गए, अभी यहाँ मुफस्सिल थाना के पास आए। किस लिए? वही इसका कार्रवाई करने के लिए। हमको कहा इस पर छोड़ा गया, दहेज मांगने के जुर्म में हमको छोड़ दिया। आए जहाँ हम आए हैं इसीलिए जो हमको बेटी बच्चा से बात बोला ना पैसा के बारे में, तो मैं जिस दिन जब तलाक दिया उस दिन बोला कौन चीज तुमको 3 तलाक दे दी। तब हम उस दिन लड़का बोला क्या जो अपन मम्मी को दे दिए, तो हम बोले मम्मी है जी बोलिए ना। तब कौन चीज तोरा बेटी से हम शादी किए, हमारा बेटी को हम छोड़ दिए, जो करना है मेरे साथ कीजिए, मेरे माँ बाप को छोड़। क्या कहा लड़का? बोला लड़का क्या बोला आपकी बेटी को? हम मेरा बेटियों को बोला, मेरा ही बोला जो हाँ हम तीनों तुम्हारा बेटी को हम छोड़ दिए। फिर हमरा बोला तो उसको बोला तुमको हम छोड़ दिए दो हम अपने मम्मी को। जब हमरा वो दिए तो हम बोले कौन चीज कितना कौन चीज हुआ बोलिए ना। तो कौन चीज जो तुम्हारा बेटी को हम तीनों जवाब दे दिए, जो करना है मेरे कीजिए, मेरा माँ बाप को छोड़। फोने पर जवाब दिए हुआ, क्या बोला, क्या कहा? 3 तलाक भैया दे दिए, जो करना है हमको कीजिए, मेरी मामा को छोड़। किस पे बोला? फोन पे? हाँ, फोने पे। लड़का बोला फोन क्या न्याय जाने के लिए भरने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मुझे ही तलाक भी दे दिया और मेरे घर पर पुलिस आई और बेहरमती किया। तो हम गए वहाँ 10 बजे रात को लगभग, वहाँ पता किया तो मालूम हुआ कि सहीना खातून के पति मोहम्मद महबूब आलम लरवारा ने उन्हें तलाक दे दी, क्योंकि सरकार ने 3 तलाक बिल को पास कर दिया है। और हमको आशा है कि जो सरकार ने सख्ती बरती है तलाक के मामले में, तो उसके हिसाब से इनको न्याय मिलेगा और लड़के को 3 साल की कारावास होगी, जैसा कि हम लोगों को पता है। और गांव के लोगों का भी यही मानना है कि वो परिवार, क्योंकि इससे पहले भी एक लड़की को जो बिथान थाना समस्तीपुर जिला की थी उसको भी तलाक दे दिया, लेकिन गांव के कुछ लोगों के ज़रिए उस लड़की के परिवार को और लड़की को 3 लाख रुपया देकर आगे की कार्रवाई से उन्हें मना करने की कोशिश की। हालांकि सुनते हैं कि वो लड़की समस्तीपुर कोर्ट में मुकदमा की है सीजन साहब। कारण क्या था तलाक देने का? तलाक में कारण ये होता है कि इनके जो पति के परिवार हैं वो बहुत बदमाश किस्म के लोग सब हैं। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक इल्ज़ाम आया था कि वो अपने दामाद को उन्होंने फांसी लगा के मार दिया और कुछ दिन जेल में रही। कुछ शातिर लोगों ने थाने में पैरवी करके उनके मुकदमे को कमज़ोर करके और उनको छुड़ा भी दिया, लेकिन ये धंधा उनका बराबर का रहता है कि अपनी बहू से, उनकी सास जो है सुफीना खातून और उनके ससुर जुल्फकार और इनके शौहर मोहम्मद महबूब बराबर इन पर दबाव करता रहता था कि हमको मुकदमा लड़ने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तुम 2 लाख रुपया लाओ।
कभी 1 लाख लाओ, लास्ट में बोला कि 50,000 रुपया लाओ नहीं तो जाओ, तीनों तलाक हमने तुमको दे दिया, फोन पे तलाक दे दिया। क्या चीज? मोबाइल पे तलाक देने के बाद गांव के लोगों ने इमारत शरिया फुलवारी शरीफ को, यहाँ के हालात को लिखा, तो वहाँ से ये बाजाप्ता शरीयत के मुताबिक मुफ्ती साहब ने फतवा जारी कर दिया कि अब सहीना खातून मोहम्मद महबूब के लिए हराम करार दी जाती है, अब उसकी शादी बगैर हलाले के महबूब आलम से दोबारा नहीं हो सकता है। लेकिन सहीना खातून का मानना है अभी तक, बाद में वो क्या करती है, कि हम अब उस घर में किसी कीमत पर नहीं जा सकते हैं, हमको अब सरकार से न्याय दिलाइए और हम उनको लेके चारों तरफ जा रहे हैं। मैं डॉक्टर शशांक लगन।